हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत स्काउट एंड गाइड। दोस्तों, सारी शिक्षा एवं खेल कूद में योगदान देने वाले स्वतंत्रता से पूर्व स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे संगठन का वर्णन मैं पहले कर चुकी हूँ। मैं सजेस्ट करूंगी कि उन सब संगठनों के बारे में आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके जरूर देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं आज के टॉपिक भारत स्काउट एंड गाइड के बारे में। दोस्तों, भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना 7 नवंबर 1950 को हुआ, क्योंकि 7 नवंबर 1950 को ही स्काउट एंड गाइड को आपस में मिलाया गया, तभी से इस संयुक्त संस्था का नाम भारत स्काउट एंड गाइड रखा गया। क्योंकि स्काउट एंड गाइड की स्थापना अलग अलग समय में हुआ था, क्योंकि 1909 में स्काउट की स्थापना हुआ था और 1911 में गाइड की, लेकिन 7 नवंबर 1950 को क्या किया गया कि स्काउट और गाइड दोनों को आपस में मिला दिया गया और संयुक्त रूप से इसका नाम रखा गया भारत स्काउट एंड गाइड। ठीक है, तो इस प्रकार कहा जाता है कि भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना 7 नवंबर 1950 को हुआ। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है लक्ष्मी मजुमदार भवन 16 महात्मा गांधी मार्ग इंद्रप्रस्थ स्टेट नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसमें स्थापना के लोग कौन कौन थे, सहायता करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, केंद्रीय प्रांत के गवर्नर श्री मंगल दास थे। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि आप तो जान रहे हैं कि भारत में भारत स्काउट गाइड की स्थापना 7 नवंबर 1950 को हुई, लेकिन मन में विचार ये तो आया होगा कि आखिर में सबसे पहले इसकी स्थापना कहाँ हुई। तो सबसे पहले विश्व स्तर पर इसकी स्थापना 1908 ईस्वी में ब्रिटेन में सर बेडेन पावेल द्वारा किया गया इसकी शुरुआत स्काउट की। ठीक है, और इसे स्काउट के जनक भी माना जाता है। स्काउट के जनक कौन है, सर बेडेन पावेल। ठीक है, इन्होंने 1908 में ब्रिटेन में सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। तो अब जानते हैं कि स्काउट एंड गाइड की स्थापना किस प्रकार हुआ और कैसे 7 नवंबर 1950 तक यह प्रक्रिया पहुंची, जहां पर जाकर के भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना होता है। तो 1909 में कैप्टन टीएच बेकर द्वारा पहला स्काउट बूथ बंगलौर में स्थापित किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहली बार स्काउट की स्थापना कब हुई। तो स्काउट की स्थापना 1909 में कैप्टन टी एच बेकर द्वारा हुआ, कहाँ पे, बंगलौर में। ठीक है, और इसका पंजीकरण जो है लंदन के इंपीरियल मुख्यालय से हुआ था। और फिर पहली बार गाइड कंपनी कब खुलेगी, 1911 ईस्वी में जबलपुर में। ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट बनते हैं कि पहली बार स्काउट कंपनी कब खुलेगी, तो 1909 में बंगलौर में, और पहली बार गाइड कंपनी कब खुलेगी, तो 1911 जबलपुर में। इसको जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट है पहली बार भारतीय लड़कों के लिए स्काउट गतिविधि की शुरुआत। स्काउट की शुरुआत तो 1909 में हुआ कैप्टन टी एच बेकर द्वारा, ठीक है, बंगलौर में, और गाइड कंपनी की खोली गई 1911 जबलपुर में, लेकिन स्काउट की शुरुआत 1909 में कैप्टन टी एच बेकर द्वारा बंगलौर में हुआ स्काउट कंपनी की शुरुआत। बट स्काउटिंग उसकी गतिविधि की शुरुआत जो है 1913 में हुआ, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद है। इसको स्थापित करने का श्रेय एनी बेसेंट, पंडित मदन मोहन मालवीय, हिरनाथ कुंजरू, श्री राम वाजपेयी आदि को जाता है। लेकिन 1916 में डॉक्टर एनी बेसेंट ने भारतीय लड़कों के लिए मद्रास में एक अलग से स्काउट संघ बनाया, जिसमें उनकी मदद श्री जी एस अरुणदले ने की। ठीक है, 1909 में स्काउट की शुरुआत हुई और स्काउट गतिविधि की शुरुआत यानी स्काउटिंग की शुरुआत 1913 में हुई, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद था। एंड फिर भी 1916 में डाटा एनिवेशन ने भारतीय लड़कों के लिए एक अलग से मद्रास में स्काउट संघ बनाया, जिसमें उनकी मदद श्री जी एस अरुणदले ने की। फिर 1917 में पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में ऑल इंडिया सेवा समिति बॉयज स्काउट की स्थापना किया गया, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद
था। उसके बाद क्या हुआ कि स्काउटिंग फॉर बॉयज नामक पाठ्य पुस्तक का संचालन किया गया। स्काउटिंग फॉर बॉयज किसका पुस्तक था? ठीक है, किसका पुस्तक था? लॉर्ड बेडेन पावेल, जिन्हें स्काउट गाइड के पितामह कहा जाता है, तो उन्हीं का पुस्तक था स्काउटिंग फॉर बॉयज, जिसका संचालन 1918 में जे एस विल्सन, कलकत्ता के सीनियर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने की, और इन्होंने पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में संचालन किया गया इस पुस्तक का। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में 1918 में जे एस विल्सन कलकत्ता के सीनियर डिप्टी कमिश्नर थे, ठीक है, ने कलकत्ता के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में इसका संचालन किया, स्काउटिंग फॉर बॉयज नामक पुस्तक का। फिर 1917 में अल्फ्रेड पिकफोर्ड को ओल्ड मिशन चर्च हूप का असिस्टेंट स्काउट मास्टर बनाया गया। उसके बाद 1919 में जे एल्स विल्सन को कब मास्टर एवं स्काउट मास्टर बनाया गया। उसके बाद दौर आता है 1920 का। 1920 में विल्सन ने कलकत्ता कॉन्फ्रेंस के दौरान स्काउट रैली निकाली, जिसके फलस्वरूप भारत के वायसराय ने क्या किया, विश्व के चीफ ऑफ स्काउट यानी विश्व के स्काउट के जन्मदाता यानी पितामह लॉर्ड बेडेन पावेल को भारत आने का निमंत्रण पत्र भेजा गया। कब भेजा गया? 1920 में, ठीक है, भारत के वायसराय के द्वारा विश्व के चीफ ऑफ स्काउट यानी भारत के विश्व के स्काउट के पितामह कहे जाने वाले लॉर्ड बेडेन पावेल को भारत आने का निमंत्रण पत्र भेजा गया वायसराय के द्वारा भारत के 1920 में, ठीक है। उसके बाद 1921 में लॉर्ड बेडेन पावेल भारत आए, ठीक है। 1921 में लॉर्ड बेडेन पावेल भारत आए और मुंबई में एक छोटे कार्यक्रम के तहत आए, ठीक है, ये मुंबई में एक छोटा कार्यक्रम रखा गया, उसी कार्यक्रम के तहत लॉर्ड बेडेन पावेल 1921 में भारत आए और वहां से कलकत्ता और रंगून गए, और इसी दौरान पिकफोर्ड ने उन्हें अपना मित्र बनाया, ठीक है। पिकफोर्ड नाम के कोई इंसान था जिन्होंने इनको अपना मित्र बनाया। फिर क्या हुआ, पावेल ने 1921 में भारत आने के प्रभाव से बॉयज स्काउट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर 1938 में राष्ट्रीयता की लहर आई भारत देश में, ठीक है। 1938 में राष्ट्रीयता की लहर आने से कई भारतीयों ने बॉयज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को छोड़ दिया और वे सेवा समिति स्काउट में जाकर शामिल हो गए। फिर इसी के तहत लास्ट में 7 नवंबर 1950 में भारत में स्काउट और गाइड दोनों को शामिल किया गया, ठीक है, और दोनों को संयुक्त रूप से भारत स्काउट गाइड कहा गया और इसी संयुक्त नाम से भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना 7 नवंबर 1950 में किया गया। तो इतना कहानी मैं बता रही थी कि कैसे 7 नवंबर 1950 में भारत स्काउट गाइड की स्थापना हुआ। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट है कि भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना कब किया गया, तो 7 नवंबर 1950 को, ठीक है। और भारत में पहली बार स्काउट की स्थापना कब हुई, तो 1909 ईस्वी में कैप्टन टी एच बेकर द्वारा बंगलोर में। फिर तीसरा क्वेश्चन है, पहली बार गाइड कंपनी कब खोली गई भारत में, तो 1911 ईस्वी जबलपुर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बनेगा इम्पोर्टेंट कि पहली बार भारत में लड़कों के लिए स्काउटिंग गतिविधि की शुरुआत कब की गई, तो 1913 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा, एंड सहायक थे मदन मोहन मालवीय, हृदय नारायण कुंजरू, श्री राम वाजपेयी, ठीक है, इतना नहीं पूछेगा। एंड इसी प्रकार भारत में
लॉर्ड बेडिन पावेल कब आया? तो 1921 में आया। लॉर्ड बेडिन पावेल की पुस्तक का क्या नाम था? स्काउटिंग फॉर बॉयज नामक पुस्तक उसका था। और विश्व स्तर पर स्काउट की शुरुआत कब की गई? तो 1908 में ब्रिटेन में किया गया, और सर बेडिन पावेल के द्वारा, जिन्हें स्काउट का पितामह कहा जाता है। इनके पुस्तक का नाम स्काउटिंग फॉर बॉयज था। तो इस तरह बात स्काउट गाइड की स्थापना 7 नवंबर 1950 को हुआ। दोस्तों ये था भारत स्काउट गाइड के बारे में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से आप सही से देख लीजिए, और जो अनइम्पॉर्टेंट है उसको उस पर उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।